नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से सीखेंगे कि जमीन का बंटवारा कैसे होता है, प्लाट का बंटवारा कैसे होता है सड़क के किनारे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो सड़क है उधर ये वाला हिस्सा था, मतलब सड़क की ओर बिल्कुल सीधी जमीन थी और सड़क के पीछे त्रिभुजाकार तिरछी जमीन थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सड़क को त्रिभुजाकार की तरफ करिए, उसके बाद बांट के दिखाइए कि दो भागों में कैसे बटेगा। तो आज हम बिल्कुल उसी प्रश्न को लिए हैं। सड़क है और सड़क से ये सीधा 50 फुट लंबा, इधर इधर 70 फुट लंबा, और ये चौड़ाई जो बिल्कुल सीधी है वो 60 फुट है। ये कितना है इसकी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी हम कर भी सकते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, या फिर अगर ये तीनों भुजाएं हैं तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि इस जमीन को दो भागों में हम कैसे बांटे। तो देखिए, शर्त इसमें ये है कि सड़क पर जमीन बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सीधा लाइन खींच दीजिए। जब आप बीच से लाइन खींचेंगे इधर, तो जिसका हिस्सा इधर पड़ेगा उसकी जमीन ज्यादा हो जाएगी और इधर वाले की जमीन कम हो जाएगी। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बांटने का, जिससे कि दोनों को संतुष्टि मिले, किसी प्रकार की कोई भविष्य में समस्या न उठे। इसके लिए ये है कि आप पहले इसे यहाँ से यहाँ तक एक डोरी से मापिए और उसका आधा कर दीजिए। तो मान लीजिए कि वो डोरी आधी यहीं पर आती है, या तो नाप लीजिए उसका आधा कर दीजिए, या डोरी से जैसे भी, यानी इसका आधा करके आपको लाइन खींचनी है। क्या करनी है? लाइन खींचनी है। इधर वाली भुजा जो 50 फुट है, इधर भी आप 50 फुट नापिए। तो मान लीजिए कि इधर 50 फुट है, तो इधर 50 फुट नापेंगे तो यहां से मान लीजिए कि यहां तक आएगा, क्योंकि इस सड़क से इधर लास्ट तक जहां तक जमीन है 50 फुट है। तो हमें यहां से नापना है 50 फुट, जहां भी आएगा वहां टिक करके इस किनारे से इस भुजा पर एक हमको लाइन खींचना है, यहां से यहां तक 50 फुट जहां पहुंचेगा। तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी? 50 फुट। अब देखिए, सड़क से 50 फुट, सड़क से 50 फुट, और हम बीच से एक खींच दे लाइन, तो ये जो जमीन हुई दोनों एकदम बराबर हो जाएगी। ये जमीन और ये जमीन बिल्कुल बराबर होगी और सड़क पर बराबर हिस्सा भी पड़ेगा, क्योंकि 50 फुट 50 फुट और बीच से लाइन। क्लियर? अब बचा मामला इस त्रिभुजाकार जो चित्र है, जो ये त्रिभुजाकार जमीन है, इसे हम दो भागों में कैसे बांटे। तो देखिए, त्रिभुजाकार जमीन को दो भागों या तीन भागों में बांटने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे कि त्रिभुजाकार जमीन को कैसे बांटा जाता है। यहां हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि त्रिभुजाकार जमीन को कैसे बांटेंगे, बाकी हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पता कर लें कि यहां से यहां तक कितना है। तो आप जान लीजिए कि 20 फुट होगा। आप समझ रहे होंगे कि 20 फुट क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक अगर 70 है और यहां से यहां तक 50 है, तो इसका मतलब ये 20 फुट ही बचेगा। यानी इस त्रिभुज की जो लंब वाली भुजा हो गई खड़ी 20 फुट, और पड़ी वाली भुजा यानी कि लंबाई 60 फुट। अब इन दोनों भुजाओं से इस त्रिभुज का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, और उसके बाद जो आए उसमें दो का भाग कर दीजिए। लंबाई गुणित चौड़ाई बटे दो। लंबाई कितनी है? 60 फुट। चौड़ाई कितनी है? 20 फुट, और बटे दो, दो दहम्मा 20, 6 दहम्मा 60 और एक जीरो, 600 वर्ग फुट। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार जमीन है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल आया 600 वर्ग फुट। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी को 300 मिलेगा और दूसरे आदमी को 300 मिलेगा, क्योंकि 600 का आधा 300 वर्ग फुट होता है। अब हमें ये पता करना है कि यहां से कितनी लंबी भुजा हम लें, यानी यहां से कितना लंबाई नापें और मिला दें, ताकि
ये जमीन भी 300 वर्ग फुट हो जाए और जो बचे वो भी 300 वर्ग फुट हो जाए। तो देखिए पिछले वीडियो के ही तरह पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 600 जब त्रिभुज 600 वर्ग फुट जब क्षेत्रफल था तो ये लंब ये भुजा कितनी थी 60। तो हम 60 का क्या करेंगे वर्ग, ये हम विस्तार से समझाएंगे। अभी आप नियम समझ लीजिए कि कैसे होता है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 600 और 600 जब क्षेत्रफल था तो भुजा कितनी थी ये वाली 60, यानी कि हमें करना है 60 का वर्ग। अब देखिए जब जब क्षेत्रफल एक होगा तो क्या होगा 60 का वर्ग, यानी कि 60 का वर्ग का मतलब होता है 60 × 60 बटे 600। तो कट जाएगा 00 से 00, 1 × 6 से 6, सीधा सीधा क्या आएगा 6। यानी कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट था तो भुजा थी 60 का वर्ग, और जब क्षेत्रफल 1 वर्ग फुट होगा तो भुजा का वर्ग क्या होगा 6। अब हमें निकालना कितनी है, कितना वर्ग फुट का है 300 वर्ग फुट का। तो जब क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट होगा तो हम क्या करेंगे 300 में इसी 6 का क्या कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 6 × 3 = 1800। यानी कि जो यहां से यहां तक भुजा की माप आएगी उसका वर्ग होगा 1800। इसका मतलब कि हमें 1800 का वर्गमूल निकालना है, और 1800 का जो वर्गमूल निकालेंगे वही यहां से यहां तक की भुजा की माप होगी। तो देखिए 1800 यानी 1800 का वर्गमूल आप निकालिए कैलकुलेटर से। हम आपको वर्गमूल भी निकालना सिखाएंगे अगले वीडियो में, आज आप कैलकुलेटर का प्रयोग करिए। 1800 का जब वर्ग करेंगे आप वर्गमूल निकालेंगे, 1800 का वर्गमूल होगा 42.5 यानी कि 42 फुट से थोड़ा ज्यादा। तो इसका मतलब हम यहां से 42 फुट नाप लें 42.5। अब पूरा यहां से यहां तक 60 फुट है, तो 60 फुट में 42 जब घट गया तो जितना भी बचा केवल वही दूसरे वाले की होगी और इधर पहले वाले की। तो अगर हम इसे मिटा दें, किसे मिटा दें ये वाली लाइन को, ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन मिटा दें, उसके बाद ये वाली लाइन मिटा दें, तो हमारी जमीन बहुत अच्छे से दो भागों में बट गई। एक भाग इधर जो भी है भाई ले ले और एक भाग इधर ले ले, न इसकी जमीन ज्यादा है न इसकी जमीन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लाट का दो भागों में बांटना पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगला वीडियो स्पेशल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसमें हम त्रिभुज को 2 या 3 भागों में बांटेंगे, यानी कि त्रिभुजाकार जमीन को 2-3 भागों में बांटेंगे, और कैसे बांटेंगे ये भी उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे, वर्गमूल भी निकालना आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।